हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया था प्लांट टिश्यू और इस वीडियो में हम करेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आइए एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। एनिमल टिश्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कौन कौन से बेटा? यस, नंबर वन एपिथेलियल। ये आगे कितने टाइप्स का बेटा? फाइव टाइप्स का। स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम आगे फर्दर टू टाइप्स का है, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये आगे फाइव टाइप्स का है बेटा, ब्लड, स्केलेटल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू भी बोलते हैं इसे, एरियोलर टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एमसीक्यू फॉर्म में आंसर पूछ लिया जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड। स्केलेटल टिश्यू ये आगे दो तरह का है, बोन एंड कार्टिलेज, ये हमारी बॉडी को स्केलेटल फ्रेमवर्क और सपोर्ट देता है। एडिपोज टिश्यू इसे फैट टिश्यू भी बोलते हैं, ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू को बेसिक पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है नेम द बेसिक पैकिंग टिश्यू, तो आंसर क्या चूज करना है, एरियोलर टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये आगे टू टाइप्स का है, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक, थ्री टाइप्स की मसल है। कार्डियक मसल्स वो होती हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ये कभी थकती नहीं है, दे कैन नेवर बी फैटीग, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से मिलकर बना है, न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो आंसर न्यूरॉन ही होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू से, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा और सिंपल है। आइए नर्वस टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, इट रिसीव्स स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ है, एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू अनदर पार्ट, टिश्यू के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन रिसीव करके और सेंड करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि न्यूरॉन से मिलके बनी है, यानी कि उनमें जो मेन सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स ही हैं। न्यूरॉन्स हैव एबिलिटी टू रिसीव द स्टिमुलस, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, बॉडी के बाहर से और बॉडी के अंदर से कोई भी इन्फॉर्मेशन है स्टिमुलस की फॉर्म में रिसीव करते हैं, एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस इन द फॉर्म टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व इम्पल्सिस मतलब इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक सेंड करते हैं। न्यूरॉन के तीन कंपोनेंट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। आइए इसके डायग्राम को पढ़ते हैं बेटा, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। यस बेटा, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, थ्री मेजर पार्ट, डेंड्राइट फर्स्ट पार्ट, सेल बॉडी सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड इज एक्सोन, दिस इज थर्ड पार्ट। पर हमें सेल बॉडी को पहले पढ़ना है। सेल बॉडी, इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इट हैव नीजल ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल्स ये छोटे छोटे रेड कलर में डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, दिस इज अ डेंड्राइट एंड सेल बॉडी, ये सारा पोर्शन ये क्या है, सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी में ये रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर नीजल ग्रैन्यूल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जो अपनी खुद की रिपेयर करने में कैपेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंड्राइट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डेंड्राइट, ये सेल बॉडी से आउटग्रोथ आ रही है, डेंड्राइट है, ठीक है, सेल बॉडी से आउटग्रोथ आ रही है, डेंड्राइट है, और ये लॉन्ग एक्सटेंशन है जिसमें ऑरेंज कलर फिल किया हुआ है, ये लॉन्ग एक्सटेंशन है, ये एक्सोन है बेटा, दिस थर्ड पार्ट इज एक्सोन, ये लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, ये क्या है बेटा, एक्सोन। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इट हैव नीजल ग्रैन्यूल्स ऑल्सो। नीजल ग्रैन्यूल्स क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, हमने आपको पहले भी बताया ये। अच्छा फिर इसका फंक्शन क्या है बेटा, इट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड डेंड्रोड्स एंड सेंड टू द एक्सोन, एक्सोन तक इन्फॉर्मेशन सेंड करती है डेंड्राइट से रिसीव, यानी कि मेन काम क्या है डेंड्राइट्स और डेंड्रोन का, तो क्या है डेंड्राइट्स और डेंड्रोन क्या है, दीज आर द शॉर्ट प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, साइटोन से निकल के जो ये धागे से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सेट टू बी द
डेंड्राइट्स, और दीज फर्दर ब्रांच्ड इनटू डेंड्राइट्स, ये जो मेजर है ये डेंड्रॉन है और ये आगे ब्रांचिंग बन गई, ये क्या है, दीज आर डेंड्राइट्स। फंक्शन क्या है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, आईज ईयर्स नोज से इंफॉर्मेशन रिसीव करना और आगे सेल बॉडी को सेंड करना। एक्सोन, एक्सोन इज ए सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, इट फॉर्म्स फाइन ब्रांचेस एट द एंड कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल्स। यहाँ पर ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये एंड होती है तो बनते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन, इट कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरोन्स, ये एक न्यूरोन से दूसरी न्यूरोन तक इंफॉर्मेशन को आगे भेजती है। मतलब मेनली रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट, किसको देता है, सेल बॉडी को, सेल बॉडी क्या करती है आगे एक्सोन को, एक्सोन आगे नेक्स्ट न्यूरोन को भेजती, तो इंफॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट, और आगे सेंड कौन करता है, एक्सोन, तो साइटोन तो बीच में फंक्शनल है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स क्या, दो न्यूरोन के बीच माइक्रोस्कोपिक गैप है उसे साइनेप्स बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ये था हमारा नर्वस टिश्यू, इससे आगे हम करेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हमारा देखिएगा बेटा मस्कुलर टिश्यू, ये आगे थ्री टाइप्स का है। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। पंकज अरोड़ा, SI Institute।